सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ऐसा है जी, किसान हो जाए त्रस्त और 10 साल से वादे पे वादे झूठ पे झूठ। पिछला उसका है 22-23 का 214 करोड़। बस सीधा मिल में बढ़ा जाएगा, काम रोका जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा जी। ये सरकार इतनी निकम्मी है जी, बताए आई किसान बिल्कुल खराब हो गया भाई इस देश का। चाहे इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने हक के लिए लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। जनप्रतिनिधि है उन पर सब भरोसा उठ चुका है किसान का, क्योंकि वे अपनी बात जो है जो संसद में उठाते हैं उस बात पे विचार नहीं किया जा रहा। जो हमारी जो माननीय चौधरी जयंत सिंह जी थे, वे अपने विधायकों को लेकर उन्होंने सरकार का सपोर्ट किया है। अगर उन्होंने किसानों की बात को नहीं मनवा पाए वे सरकार में रह के, तो आगे आने वाले चुनाव में वे अपने घर बैठेंगे, फिर उनकी कोई बात सुनवाई नहीं होगी। जो यहाँ बात हुई मांग मान ली जाएगी? हाँ माननी जाएगी, नहीं माननी जाएगी तो तैयार है किसान। सीसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिला शामली के गन्ना मिल सोसाइटी में हैं। जिला शामली के किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो नजर आ रही है वो गन्ना भुगतान को लेकर, आए दिन किसान जो है अपने गन्ना भुगतान को लेकर धरने दे रहे हैं। आज भी धरना था तो किसानों से बात करते हैं कि धरने के क्या मुद्दे थे और क्या आज जो है क्या मांगे मानी गई और क्या घोषणा यहाँ पे की गई। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? वीरेंद्र। अच्छा, क्यों किसान जो है धरने दे रहा आज, क्या दिक्कत आ रही है? अपने पैसे के मारे दे रहे, पहले पुराना पैसा मिल रहा, साल भर लोग 3 महीने पहले बैठ के चले गए, ये फिर धरना दे रहे। ये देखो भाई, देख नहीं देते? हाँ तो बैठ ना, अगर 22 तारीख लोग पूरा कर देंगे, पैसा हमारे है भाई। अच्छा। अगर नहीं देंगे तो फिर हम सब ताला बिड़ेंगे। क्या फैसला हुआ? तो आज अधिकारी भी बैठे थे बीच में, रोज धरने दे रहे किसान, तो क्यों नहीं मंगे माननी जा रही? तो यू मीर बिक गया ना जाओ, वो पुराना जायज अंतर बेच कर यू नए आए, ये देंगे भाई। जी आपका नाम? मैं नाम प्रभात मलिक जी। प्रभात भाई, लगातार किसान जो है धरने पर है, मांगे नहीं मानी जा रही, अधिकारी आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन पिछले भी काफ़ी समय पहले भी एक लंबा धरना चला था 95 दिन का, उसके बावजूद भी मिल बिक भी गया लेकिन अब तक गन्ना भुगतान नहीं हुआ। भाई देखो, ये मिल वाले जो है भाई चैनी रहे, हम तो सोचे थे पुराने इन चेहरे नवे बिन चेहरे, इन्होंने आज अपनी बात रखी, 15 रखी, अगस्त तक सितंबर तक रखी, सब चीज़ रखी, लेकिन हमने एक बात कहा, जो समय दिया वो इन्होंने नहीं दिया, वो समय हमारी तरफ से दिया गया भाई। 22 सितंबर तक इनके पास समय है और 22 सितंबर तक अगर 22 तक इन्होंने पूर्ण भुगतान नहीं किया तो भाई हम समय तो बताने के नहीं, ना तारीख बताने के, हम अपने गांव में सब आदमियों को बता देंगे, अब तो खोलने के नहीं, भाई सीधा मिल में बढ़ा जाएगा, काम रोका जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा जी। कह रहे थे कि भाई मिल बिकने के बाद जो है गन्ना भुगतान हो जाएगा, मिल बिक भी गया तो क्यों नहीं गन्ना भुगतान भाई? कोशिश तो थी आई भाई, मिल बिकने के बाद में गन्ना भुगतान करेंगे, लेकिन ये अपनी शर्तों पर जो है पास नहीं हो रहे, फैल हो रहे अपनी शर्तों पर। तो हमने एक बात आपके सिद्ध से माध्यम में सिद्ध साहब, 22 तारीख तक समय है, इन्होंने कहा भाई हमें समय दे दो, टूट फूट है हम आए नवे भाई, ये भुगतान छोड़ कर गए थे सरसादी लाल ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप ने भुगतान सहित तो लिया होगा मिल, अगर इनका नहीं बहुत था क्यों लिया इन्होंने? तो हमने 22 तारीख तक समय दिया और अगर हम सब आदमी को बता देंगे अपने को क्या करना। तो कितना लगभग जो है कितना गन्ना बकाया भुगतान है आपके मिल पर अगर बात करें और शामली जिले की अगर बात करें? भाई देखो मैं आपको बताऊं, शामली जिला नहीं, शामली जिले में 3 है, थाना भवन, ऊन और जिला शामली। शामली का ऐसे इन्होंने एक और बात बताई, मैं आपको बताऊँ उस बात पर भी, अम्मा इन्होंने एक सीधे सी बात बताई, कह लगे भाई हमें थोड़ा आप समय दे दो, समय देने के बाद में और ऊन का थाना भवन का तो जिक्र कर लो, ऊन का थाना भवन का, ये ऊन वाले भी एरिया बताऊंगे भाई और थाना भवन का भी, हमें तो मेन अपना शामली का है, शामली का अगर ये पूर्ण भुगतान दे तो ठीक है और नहीं भाई हमने आपको एक बात बताई, धरना प्रदर्शन जो है ना भाई देखने लायक बिल्कुल छीन होगा आपका। जी भाई साहब, मेरा वैसर है भाई। वैसर भाई, लगातार जो है किसान धरने दे रहे, पीछे से भी धरने हो गए, अब भी धरने दे रहे, अपना पैसा लेने के लिए ही धरने देने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? बस दिक्कत यह है, देखो ये सरकार की कमी है, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, ये सरकार इतनी निकम्मी है जी, बताए आई किसान बिल्कुल ख़राब हो गया भाई इस देश का। सबसे ज़्यादा जब तय सरकार आई यो किसान इस देश का परेशान है। अरे अपना ही हक है, रात दिन मेहनत करके, इतनी कितनी गर्मी हो रही है ना, 1 मिनट ए सी में था, काट का पैर बटैया लग जाएगा पता है ना, इतनी गर्मी में एक बंद है एक खुद है, तो 2 साल के पैसे नहीं दे रहे, कौन सा तरीका है ना? इन्होंने 22 तारीख दी, 22 तारीख तक अगर ये कुछ करे 22 सितंबर तक तो ठीक है, नहीं फिर इस मिल का ताला लगाया जाओगा, हमारी डब सवरा बंद ही हो जाए, वो ठीक है जी, लेना देना कुछ है ही नहीं। और ये बड़े हैं हमारे शास्त्री जी, आगे जैसे निर्णय लेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने हक के लिए लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। क्या क्या दिक्कत है किसानों को, भुगतान नहीं मिल पा रहा? दिक्कत के नहीं है,
सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है बिजली का जो मुद्दा है, जो चल रहा है बिजली का जो महकमा है, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें हो रहा। 4,000 आम आदमी पर बिल हो जो पुलिस वाले ने लेकर आ जा, बिल क्यों नहीं दे रहे भाई? छतों पे ना चढ़ जा रहा है, इतने 2-2 बजे रात के छतों पे चढ़ रहे लोगों की। अरे 4,000 ही तो है, यहाँ तो 250 करोड़ पड़े। मैं दुआ दो ने हमने बिजली का SDO उस तक आ भाई, मगर बिल तो आ नहीं रहा, भुगतान नहीं आ रहा गन्ने का। वो दुआ था फिर बिल भर देंगे, तो उसने यूँ ही जवाब दिया भाई मुझे उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो कोई तरीका नहीं होया, या सब जो कमी है बिजली इसका पेमेंट ना मिलने का, सारा जो भी कारण है ये सब सरकार की विफलता है। इन पर सरकार चला ही नहीं जा रही, और इसका डेमो भी पब्लिक ने बिखा दिया, लोकसभा में दे दिया, और हमने यहाँ तो दे दिया अपने जिले में, आगे कोई दो या ना दो। अगर ये नहीं करते तिबका बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ देंगे इसने। किसान इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो किसान है। हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे, या ये कहने लग जाए हम किसी पार्टी के नहीं है, हम है किसान, और किसान के हित के लिए लड़ना आवे हमारे बड़े लड़े, हम भी लड़ते रहेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार शास्त्री जी, किसान धरने पर बैठा, आते हैं आश्वासन मिल जाता है, किसान चले जाते हैं, ऐसा क्यों बार बार जो है किसानों का वो बनाया जा रहा? ऐसा है जी, किसान हो लिया तरस, और 10 साल से वादे पर वादे झूठ पर झूठ। अब हमने 95 दिन धरना दिया, मिल रोक दिया था, मिल का काम रोक दिया था, जब जाकर दाब बनी और मालिक आ सामने, यानी पहले कभी मालिक सामने नहीं आ, और फिर वादा करे गए ADM बीच में रहे, और जो है अप्रैल तक का वादा हुआ था संपूर्ण भुगतान हो जाएगा, बकाया भी उन्हें अभी कह नए पे रहे, और आखिरी में आ गया नया भी, मतलब इन्होंने रोक दिया, स्टॉक लगा दिया, और वो अभी लगी रहा भी, अब चालू है ये जो नई पार्टी आ गई, इन्होंने ले लिया मिल और अब चालू हो गया। और ये धरना था पहले 24 तारीख में था, यहीं अगस्त में, और पुराने भुगतान के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे, और आज जो है इन्होंने बताया। हमने कहा था भाई अपना लाठी को दीता यू का नू नहीं मानता कोई, तो किसान आए अपने इंतजाम थे, तो ये अपना इन्होंने सलाह करी होगी भाई क्या कहना। अब इन्होंने जो भाई बताया हमें, अब इन्होंने ये कहा जी 15 अगस्त से हम वो ये नया तो दे देंगे अगस्त में सारा, और जो बकाया भुगतान है उसको जो है ये कह रहे थे 30 सितंबर तक दे देंगे, मगर हमने कहा 15 तक देना। तो फिर उन्होंने भाई वो करिए अपनी सलाम सबर आया मालिक तक पूछा हो, हमने 15 का कहा, मगर 15 तक चाहे 15 सितंबर 15 तक चाहिए पूरा। तो ये फिर इस बात पर आ गए, अगर जी 15 से हम शुरू कर देंगे, और हमें जो है 4 मिल्लू से वो 4 जो है बैंकों से 4 बैंकों से लेना, उसका एक दिन बाद आ जाओ, किसी का एक दिन पहले आ जाओ, तो उस हिसाब से 1 हफ्ते का टाइम 22 सितंबर तक का मांग लिया उन्होंने, 22 सितंबर तक संपूर्ण बकाया भुगतान दे देंगे। फिर हमने अपना अल्टीमेटम दिया, हमें किसानों को जो है बकाया जा रहा हमने अपना अल्टीमेटम दिया, अगर 22 तक ना हुआ तो जो हमने पिछले 17 महीने का हल करा था मिल हाउस में जाके, और वही हम कर देंगे काम 22 के बाद। अगर झूठा हुआ समाधान दिया और पेमेंट ना आया तो 22 के बाद फिर हम वहीं जा लेंगे जहाँ हम थे। तो ये हमें इन्हें कह दिया अपना धान रखा। कितना गन्ना बकाया भुगतान है किसानों का यहाँ? देखो पिछला उसका है 22-23 का 214 करोड़, और इसका लगभग रह रहा भैया 14 हाँ 15 मान लो 20 था और 5 दे दिया, तो 15 ये रह रहा, ये तो अभी कर देंगे 20-22 अगस्त तक, और वो भी 22 सितंबर तक का कह दिया, कह रहे हैं हाँ नू कहते जी 22 सितंबर तक पूरा कर देंगे। आपको यकीन है आपकी बात को ये जो कह के गए मान ले जाएंगे? हम तो हमारी बात पर यकीन है। अच्छा। हम तो हमने कह दिया 22 तक अगर ना होया तो वहीं पहुँचेंगे जहाँ पहले बैठे थे काम बंद कर, वहीं पहुँचेंगे, हम अपना यकीन है और का यकीन नहीं है बस ये है। अच्छा, किसान को गन्ने भुगतान के लिए लड़ाई कर रहा, दूसरी चीज़ उन पर नैनोर यूरिया की थोप दी गई, तो क्या नुकसान उसको किसानों के हो रहे हैं नैनोर यूरिया से? ऐसा है जो नैनो है उसका कोई रिजल्ट नहीं है, और वो महंगी बहुत है, और उसका रिजल्ट है 0। तो आज ये जो है यहाँ से किसानों को दे थे ज़बरदस्ती, और हमने कह दिया अगर किसी भी किसान को ज़बरदस्ती थी तो अच्छा नहीं होने का, तो सचिव ने भी मानना कि हम आगे देने के लिए,
ऐसा आपसे पूछाओ भाई, कोई किसान लेना का नहीं। हमने कहते किसान साहब कोई अगर लेगा तो मुझे फ़ोन करियो और मैं देखूँ। मैंने जी नमस्कार, नमस्कार जी, आपका नाम? पंकज चौधरी, बनस से। बनस से, किसान इतना परेशान क्यों है आज? इतने मान मांग नहीं माननी, धरने दे रहा लगातार। देखो जी, किसान जो है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उन पर सब भरोसा उठ चुका है किसान का, क्योंकि वे अपनी बात जो है जो संसद में उठाते हैं उस बात पे विचार नहीं किया जा रहा। और हमारे जो यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार में जो है 10 साल हो चुके हैं और वे यहाँ पे जो है किसान इतना त्रस्त है कि वे गन्ना भुगतान नहीं करा पा रहे। तो इसलिए किसान जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए खुद ही खड़ा हो चुका है कि जो शुगर मिल गन्ना भुगतान नहीं करेगी उसका अधिग्रहण जो है शामली का किसान हो या कहीं का भी किसान हो, वो अपने पैसे के लिए जो है उसकी तालाबंदी कर देगा। हाँ जी, अच्छा आपने अभी जनप्रतिनिधियों की बात कही, आपके यहाँ से जो है विधायक प्रसन्न चौधरी जी है, पहले लगातार वो धरनों में नजर आते थे किसानों के, लेकिन अभी अचानक गायब हो गए, नजर नहीं आते, ऐसा क्यों? वो ऐसा है जी, क्योंकि वे सरकार का हिस्सा हो गए। जो हमारी जो माननीय चौधरी जयंत सिंह जी थे, वे अपने विधायकों को लेकर उन्होंने सरकार का सपोर्ट किया है, तो इसलिए जो है हमने सोचा है कि यहाँ के लोगों ने, अकबर चौधरी साहब है, चलो अपनी बात रखेंगे, जाके किसान की बात रखेंगे, किसानों की मुद्दे को सुलझाएंगे। अगर उन्होंने किसानों की बात को नहीं मनवा पाए वे सरकार में रह के, तो आगे आने वाले चुनाव में वे अपने घर बैठेंगे, फिर उनकी कोई बात सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि वो भी कह रहे थे कि भाई हम गन्ना 400 पार करा देंगे, हुआ नहीं, लेकिन बात नहीं उठाई जा रही। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम गन्ने का भाव 400 दिलवाएंगे जब सरकार में नहीं थे वे, तो इसलिए जो है अब अगर उनकी एक भी बात जो है जनप्रतिनिधि अपनी बात पे खड़े नहीं उतरे और समाज में उन्हें ये लगा कि जिनको हमने जिता के वहाँ भेजा था और हमारी किसान की समस्या वे सही तरीके से वे नहीं कर पाए, तो आगे आने वाले चुनाव में उनका बहिष्कार किया जाएगा और उनको एक वोट भी नहीं मिलने की। जी नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम? सुक्रम पाल चौधरी। अच्छा चौधरी जी, क्या लग रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं? उनका भाई गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, रोज धरने दे रहे, 4-5 दिन पहले भी धरना हो रहा था, तो साष्टी ने बिल्कुल वो काट दिया। बहुत सख्त ले जीते, बहुत सख्त ले जाते हैं, DCO को भी, सचिव को भी, और मिल के जो अधिकारी थे त्रिवेणी ग्रुप के, बहुत सख्त है। 15-20 तारीख टाइम तो ना, 15-20 का दिया, लेकिन 22 तारीख तक टाइम दे दिया, कह 22 तारीख लो पूर्ण भुगतान कर दिया। उन्होंने जयंती हम आप ये कर देंगे पूर्ण भर के, कुछ दे सोच रहे कुछ दे देंगे और फिर वह चलते रहेगा, ऐसा नहीं होने का, फिर भीतर मिल में चले जाएंगे अगर नहीं हुआ। हाँ, दबाव बनाकर उठा दिया जाए। हाँ जी, हाँ, पीछे पीछे नहीं, पीछे उठ गए थे जी, दबाव बना था DM ने भी, दबाव गया था, उठे तुम थे शास्त्री जी, बहुत दबाव बनाया गया। हाँ शास्त्री ने दबाव बनाया था, बहुत नहीं उठने थे, देख लो आज सचिव ने कहते नहीं एक या नए नो बंद कर सूची, बिल्कुल जी कोई रिजल्ट नहीं, काम का थोपी जा रही, एक कट्टे यूरिया मावेगा 250 रुपये की दे, तो बता क्या फायदा उसका, उसका सही निर्णय देगा आज, ऐसे ऐसे बहुत निर्णय दिए जाएंगे आगे चल के। हाँ बिल्कुल, आंदोलन एक रास्ता है। हाँ आंदोलन बस, और कोई नहीं, इस किसान का कोई नहीं, परमात्मा भगवान सतबुद्धि दे, बस हमारा पेमेंट दे, मालिक ही है, मालिक को उस सब धरना चला, सब मामले उस परमात्मा ने करे, सच्चे उस ईमानदारी को उसते, सच्चाई में देखो सच्चाई में कितनी ताकत है। आज देख क्या निर्णय, बिक गया, नया मालिक आ गया, पेमेंट का भी मामला आ लिया निर्णय, बस एक विनय की बात है, सारा हो जाएगा ठीक है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, प्रदीप है, जो यहाँ बात हुई मांग मान ली जाएगी? हाँ माननी जाएगी, नहीं माननी जाएगी तो तैयार है किसान, तैयार है। हाँ पहले भी मगा कहीं पर आ लिए? हाँ नहीं आ तो लिए, पर जीव किसान अपनी पर अड़का बैठ जाएगा तो पूरी करनी पड़ेगी, ये तो गवर्नमेंट को झुका दें, ये तो मिल वाले ही है या नहीं, और 22 तारीख कह रहे मर वाले, उसके बाद में भी झुकर होगा अगर ये कर रहे पेमेंट ठीक है, नहीं अगर करते पेमेंट तो फिर वही मिल बंद करा जाएगा अपना, सब काम बंद। क्यों नहीं मिल पा रहा गन्ना, उदान दिक्कत क्या है, अब चुनाव भरवा दे नहीं मिल दे रहे, बस असल में तो ये कई सालों से हो रहा है यही। अच्छा जब 2-2, 3-3 साल हो जा, खर्चे तो सबक है, पैसा मिलता नहीं, और किसान तो भाई मजबूरी में उठ कर चला, ना कोई इनकी कहता, इन्हें तो अपने आप अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़े। अच्छा जैसे भी ये अपना टाइम मांग रखा, उम्मीद तो है एक देंगे, नहीं देंगे तो किसान फिर अपना यही से कि आवेगा धरना देगा दोबारा से जैसे पहले धरना चला। हाँ, बिल्कुल, और जब तक नहीं मिलने का जब तक धरना चला। हम अभी शामली शुगर मिल के सोसाइटी में थे, यहाँ पे आज जो है किसानों ने धरना दिया हुआ था,
किसानों ने अपनी बात रखी और किसानों ने जो है यहाँ पे जो है अधिकारियों को चेतावनी दी, अगर 22 सितंबर तक हमारा जो है गन्ना भुगतान नहीं होता है तो हम यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहिए। धन्यवाद।